सफलता का भी एक मूलभूत नियम होता है कि अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की भी गलतियों से सीखते चलें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चलें। मैं सत्येंद्र यादव स्वागत करता हूं जीके स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों समय को ध्यान में रखते हुए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है सांसद, ऑप्शन नंबर बी में है कानून मंत्री, ऑप्शन नंबर सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांसद। तो फ्रेंड्स संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन जो है तो वो अनुच्छेद 124 के अध्याय 4 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें सिर्फ और सिर्फ दो ही आधारों पर हटाया जा सकता है, जिसमें से पहला आधार है साबित कदाचार का आधार और दूसरा आधार है असमर्थता का आधार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा, संसद जो है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो फ्रेंड्स आपके सामने चार विकल्प दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 3। तो फ्रेंड्स मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8। भारत में केवल 8 राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं मैं आपको वो भी बताता हूं। तो फ्रेंड्स पहले नंबर पर है बीजेपी, बीजेपी। ठीक है फ्रेंड, दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, कांग्रेस। तीसरे नंबर पर है बीएसपी। ठीक है फ्रेंड, चौथे नंबर पर है टीएमसी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। पांचवें नंबर पर है एनपीपी, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे छठे नंबर पर है सीपीएम, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी। सातवें नंबर पर है एनसीपी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आठवें नंबर पर है सीपीआई, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी है राजीव गांधी। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सबसे हिंसक युद्ध हैं। तो कौन कौन से सन में हुए हैं फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। तो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1947-48 में, वर्ष 1947-48 में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरी बार लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1965 में, 1965 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे और 1944-45 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब तीसरा युद्ध हुआ था फ्रेंड्स सन 1971 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात करेंगे चौथा युद्ध कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध हुआ था वर्ष 1999 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि जितने भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं इनमें से भारत ने सभी युद्धों पर अपनी जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? आपके सामने चार विकल्प दिया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है 1956, ऑप्शन नंबर बी है 1950, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1952, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1947। तो दोस्तों वर्ष 1950 में भारत एक गणराज्य बना था। दोस्तों आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना था। भारत सरकार ने इसी दिन अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का संविधान कब लागू किया गया था फ्रेंड्स ये भी जान लेते हैं। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज एवं इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आपके सामने चार विकल्प इसमें भी दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी में है प्रयागराज या इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी में है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में है मुंबई। तो फ्रेंड्स मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय मुंबई में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC का गठन 4 मार्च 1966 को किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? तो फ्रेंड्स मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं और आपको बता दूं कि जैसे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक ऐसी सीरीज बताऊंगा इसमें कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इनमें। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे संसद के दो सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न सदन को कहा जाता है लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। दोस्तों राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है एवं लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले राज्यसभा यानी उच्च सदन आता है, फिर उच्च सदन के बाद निम्न सदन आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे हम इस सीरीज से याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? तो आपके सामने चार विकल्प दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में है वर्ष 1925, वर्ष 1922, वर्ष 1923 या कि फिर वर्ष 1924 में। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्ष 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मेरा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है या कि हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में बजट को और किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने इसमें भी चार विकल्प दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वार्षिक बजट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी में है वार्षिक व्यय स्टेटमेंट या ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वार्षिक वित्त स्टेटमेंट या ऑप्शन नंबर डी हो जाए।
वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट। तो आपको कौन सा सही लग रहा है फ्रेंड्स, आपको कमेंट में भी बताना है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वार्षिक बजट स्टेटमेंट। भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इससे होता क्या है कि आपको भी प्रोत्साहन मिल जाता है और हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और हमें लगता है कि मैं एक सही वे पर जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।